नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय बालक का गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। बता दें कि घर पर सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस गांव के लोग स्तब्ध हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से यहाँ पर ज्ञान दिया जाए या संस्कार दिया जाए। गाँव के ही एक 25 वर्षीय युवक पर लगा है गोली मारकर 11 वर्षीय युवक बच्चे का हत्या करने का आरोप। बता दें कि यहां पर मृतक की मां पिंकी देवी का चित्कार पूरे गांव के लोग सुन रहे हैं। अब बता दें कि कोना जीएम ने बेटा का आस लगाकर माता का जो यहां पर हाल है वो काफी बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों का कलेजा फटा जा रहा है, सभी की आंखें नम हो गई हैं। वही मृतक का बड़ा भाई सत्यम कुमार, शिवम कुमार, पिता रामकृष्ण सिंह, चाचा सुधीर सिंह, कृष्णनंदन सिंह उर्फ मोगल सिंह का फफक फकक कर रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। सभी लोगों का हाल आप देख सकते हैं। भारत उदय समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस घर का देख सकते हैं जहां पर 11 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ये कैसा समाज होते जा रहा है, कैसा उस युवक का बुद्धि होते जा रहा है जिस युवक को कहीं बड़े अधिकारी के पद पर बैठना चाहिए, वो आज गोली चलाकर गांव से फरार है। बताया जा रहा है कि हत्यारा 22 वर्षीय सोनू कुमार के ऊपर आरोप लग रहा है। गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में काफी यहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है, परिजन काफी डरे हुए हैं। पिता जो खासकर जो सोनू कुमार के पिता हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने इसकी पुष्टि किया है। आपको आगे सुनाएंगे कृष्णनंदन कुमार ने क्या कहा है। परिवार ने जख्मी बालक को देर शाम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक ने देर शाम 8 बजे के करीब उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में मृतक के पिता रामकृष्ण सिंह ने जाले थाना को दिए आवेदन में बताया है कि बीते शाम 6:30 बजे के करीब स्थानीय जितेंद्र सिंह का पुत्र सोनू कुमार ने बच्चों के खेलने के क्रम में इनके पुत्र के गर्दन में गोली मार दिया, जो गोली पीठ के रास्ते बाहर निकल गया। मृतक के चचेरे भाई दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि यहां पर पड़ोसी जितेंद्र सिंह का पुत्र सोनू सिंह पिस्टल लहराते हुए सड़क पर आया एवं दबंगई करते हुए बता दें कि सुंदरम को गोली मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों और परिजनों ने बच्चे को आनन फानन में जाले रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के गर्दन पर गोली लगने का निशान है, वहीं उसके पीठ पर भी एक छेद निशान दिखाया गया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। क्या मांग करते हैं? हम खून के बदले खून मांग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा 12 साल का लड़का था, नाबालिग था, इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं। हमको खून के बदला में सर आप लोग खून दिखा दीजिए, बस उसी समय हमको सबर आ गया, इससे पहले हमको कोई सबर नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा पिंकी देवी। सर घटना क्या हुआ? हमारे बेटा को आकर के गोली ठोक दिया, हम तो थे ही नहीं। मिलकर के ठोका गोली, दोनों बाप बेटा मिलकर के आया और गोली ठोक मेरा दिया। मेरा बच्चा उस दूरा पर खेल रहा था। एक आदमी, किस तारीख की घटना है, क्या कितना बजे शाम में हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ बताइए। तारीख क्या था? 20 था, 6:30 का घटना है। सर हम तो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं दरभंगा में, हम दरभंगा में थे, हमको मालूम पड़ा कि 20 तारीख के शाम 6:30 हमारा बेटा वहाँ खेल रहा था और खेलने के वक्त वो उधर से दोनों बाप बेटा आए और हमारे बेटा को वहाँ गोली मारा, मेरा बेटा आकर के वहाँ गिरा। कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं था सर उससे, वो अपना दबंग अपना अपने आप को दबंग कहलाने के लिए ऐसा कांड किया है कि हम बहुत बड़े दबंग आदमी हैं। किस अवस्था में था आपका बेटा जब गोली मारा गया था, क्या कर रहा था? वो खेल रहा था सर वहाँ। किसके साथ? बच्चों के साथ, छोटा भाई के साथ, बड़े भाई के साथ। तो उसके साथ या आप लोगों के साथ क्या कोई मतभेद चल रहा है? कोई आज नहीं, कोई मतभेद नहीं, हमारा तो कोई मतभेद नहीं था उससे, लेकिन हो सकता है वो अपना खाया पिया रहा होगा और आया, खाया पिया रहा होगा और आ करके, और दोनों बाप बेटा जो है यहाँ आ करके जो, हाँ थोड़ा सा रंजिश हुआ था सर हमारे बेटा के साथ में और उनके कोई रिलेशन में या इनका पोता रहा होगा उसके साथ में थोड़ा झगड़ा हुआ था, उसी के चक्कर में आकर के जो है ये दोनों बाप बेटा उधर से आ रहे थे और आने के बाद जो है बाप आया, अब बाप के पीछे उसका बेटा आया सोनू कुमार जो है, जब तक बाप बात करे तब तक तो हमारा बेटा को गोली मार दिया। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम दरभंगा थे। फिर
आपको मतलब फोन किया गया? हाँ, हमारा बेटा फोन किया। ये गोली लगना, कितना गोली मारा गया था? एक ही गोली मारा था सर। ये उस जगह था इस बात पर। तो मतलब गोली लगने के बाद क्या हुआ फिर? गोली लगने के बाद में सब भाग गया, कोई नहीं था वहाँ। उसके बाद ये चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, तो हमारे घर में भी कोई नहीं था, आसपास में भी कोई नहीं था। तो लास्ट में जो है हमारा चचेरा भाई ये बगल में आया, ये आया। इसके बाद में मतलब आधा घंटे या 10-20 मिनट के बाद ये उठा करके उसको लेकर गया, रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक था जान या वहाँ बयान देकर? जान था वहाँ पे, बच्चा में जान था। कहाँ पर गोली लगा था उसको? यहाँ गला में गोली मार करके और बाया साइड निकल गया पीठ में, पोखड़े के नीचे। अस्पताल में उसने किसको बयान दिया है? अस्पताल में किसको बयान दिया है? बड़ा बुलाओ ना, डॉक्टर है ना, रणवीर बाबा के बुला ना। अरे क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? रामकृष्ण जी। कौन है आप बच्चा? हम उनके पिता हैं। क्या मांग करते हैं सरकार प्रशासन से? प्रशासन से वही न्याय मांग करते हैं। न्याय में क्या? न्याय में मौत के बदला मौत चाहिए। जाली थाना क्षेत्र में एक 11 साल के लड़के का गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, इसमें क्या मामला अभी तक? हत्या का मामला आया है जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने हिरासत में भेजा गया है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी दोनों अभियुक्त जेल में जाएंगे और इन लोगों के विरुद्ध में हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि इन लोगों का त्वरित विचारण होकर न्याय मिल सके। सर, छोटे से बच्चे की घटना थी, तो अभी तक पुलिस की जांच में क्या मतलब लगा पता? तो गोली मारकर हत्या की गई है तो स्पष्ट है, उसमें असंशय स्पष्ट है कि गोली मारकर हत्या की गई है और अनुसंधान एवं छानबीन जारी है। सर, समाज के जो खासकर युवा वर्ग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही है, फिर छोटे बच्चों के साथ क्या हो सकता है? हम लोगों से अपील बार बार करते हैं कि अपने लड़के को गलत रास्ता पर जाने से बचाएं, अभिभावक अपने बच्चे को अपने नियंत्रण में रखें, ऐसी बात पर ध्यान नहीं देने दें उसको कि वह गलत रास्ता पर चला जाए। किस गांव की घटना थी ये सर? 11 मरवा करारी। क्या घटना हुआ यहाँ पर? 6:30 बज रहा था सर उस समय, तो यहाँ पे गोली की आवाज, मतलब गोली चलने का आवाज आया, फिर तो बाहर देखे निकलते हुए, तो बाहर निकले जब उस समय देखे जब तो सोनू कुमार को, सोनू को हाथ में गन है, फिर जब बाहर उनको हाथ में देखा गन, उसके बाद उनके साथ में उनके पिताजी को भी देखे हैं और ये सब देखते हुए फिर हम उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय फिर आपको वहाँ गए, इलाज हुआ, इलाज होते हुए वहाँ पे जो भी होता है प्रशासन का वो हुआ, वहाँ पर जाते ही सहसा कर करके वो अपना ख़त्म हो गया। वही कितना देर सांसों का? लगभग 2-3 मिनट। तो गोली जो उसके शरीर में गया था वो कहाँ मिला था? जो गोली मारा गया उसको वो कहाँ मिला? अच्छा था, छर्रा नहीं था, नहीं मिला, निकल चुका था शरीर से, आठ पार था शरीर से निकला होगा तो कहीं पर गिरा होगा ना तो सर वो उसको ढूंढवाए हम लोग, नहीं मिला। खोजने के बाद भी पुलिस आया, खोजा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। क्या बोल रहा था मरते वक्त सोनू? नहीं, बच्चा जो, क्या नाम था वहाँ पे जिस बच्चे का नाम क्या है? सुंदरम। क्या बोल रहा था वो? जब भी पूछा वहाँ पे तो सरसों का करके ही वो अपना 2-4 मिनट में ही दम तोड़ दिया। इनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं साहब, सिक्योरिटी गार्ड का। ऐसा कभी घटना हुआ था आपके गांव में? जी नहीं। ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहते हैं? कितनी दुखद घटना है? बहुत भयंकर घटना, जितना कम कहिएगा उतना ही। बस आसपास के गांव के लोग भी आ गए होंगे यहाँ पे? गांव के लोग भी आसपास के आ गए? हाँ, पूरा धीरे धीरे करके सारे जुटने लगे, तो हल्ला जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे आदमी उतने गए। तो ये जो घटना हुई है क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से जो उचित फैसला है वो हमको उचित फैसला करते हैं।
कौन था आपका कौन था सोनू? ये जो लड़का है सुंदरम आपका कौन था? भतीजा लगे था। भतीजा लगे। जी आपका नाम क्या हुआ? रणबीर कुमार सिंह। कौन से गांव की घटना है? मधवारी टोला जुके मधवारी मधवा घरारी टोला। अच्छा मधवा घरारी टोला। थाना कौन सा है? जाने थाना आया था जी। कितना बार उस दिन कब आया था? कितने घंटे के बाद? कितने घंटे? उस समय ही 10 से 15 मिनट में थाना तो जैसे ही सूचना मिला तैसे ही रवाना वहाँ से चल दिया। किसी तरह का लापरवाही? जी नहीं कोई लापरवाही कोई थाना से कोई कुछ भी नहीं। बताइए क्या हुआ घटना आपके परिवार में? कौन था लड़का ये जो मरा है? मरा था मेरा छोटा भाई है। अपना लड़का है? अच्छा लड़का। जब घटना हुआ तब आप कहाँ थे? वहीं पर थे, घर में बैठे हुए थे। बैठे हुए थे दरवाजे पे। अच्छा गोली का आवाज़ कितना मतलब तेज था? तेज था कितना तेज था? आवाज़ कितना आया था? आवाज़ तो थोड़ा ही आया था। आवाज़ थोड़ा ही आया। हाँ तो हम लोग देखे पता चला आपको कि गोली मतलब कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा था? हाँ पता चला। कितने दूरी पर थे आप जहाँ गोली चला वहाँ से? कितना दूर था? हम यहाँ पे चौकी पर बैठे हुए। कितना दूरी था? 20-25 फीट। हाँ तो गोली मारने से पहले हल्ला भी हुआ था या सिर्फ गोली मारा गया? गोली मारा गया, हल्ला नहीं हुआ। हल्ला कुछ नहीं? नहीं आया उधर से सीधा मारा और चला गया। इसी लड़का को मारा? हाँ। और किसी से कोई समस्या नहीं? किसी से कोई समस्या नहीं। इसी लड़का को मारने का मतलब तो होगा ना कि कुछ ना कुछ क्या मतलब था? नहीं मतलब था हम क्या जानने? आपको नहीं पता? नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या भागा लोग, सब लोग भाग गया। फिर हम लोग बुलाए, आदमी को बुलाए बच्चा को उठा के लेकर जाने के लिए हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल लेके गए, तब तक वहाँ पे फिर गए हॉस्पिटल। कहाँ पर? कौन सा हॉस्पिटल? रेफर अस्पताल जाले। अच्छा वहाँ पर फिर क्या हुआ? कितने देर में इलाज शुरू हो गया था? वहाँ पर तो तुरंत इलाज शुरू हो गया था। गया इलाज शुरू हो गया। जान था? बोल रहा था? हाँ बोल रहा था। थोड़ा बेहोशी में था या बोल रहा था? बोल रहा था। क्या बोल रहा था? यही कि बचा लो हमको बचा लो। अच्छा उसको जो मार कर आगा उसको मार दिया, मेरे को मार दिया। सोनू ऐसे कर रहा था, मार दिया। फिर तब तक मैं वहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे। हाँ कहाँ कौन से थाने का? जाले थाने का। क्या क्या बोल क्या पूछे बच्चों से? बच्चा से तो मुझे भी तो इतना नहीं मालूम है हमको क्या पूछे। हम तो उलबुली में थे, क्या पूछे नहीं पूछे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार।